नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऋतिक रोशन के फिल्म सुपर 30 के 12 दिन के टोटल कलेक्शन के बारे में, और इस फिल्म के साथ कंपेयर करेंगे कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका के 12 दिन के कलेक्शन को, और आपको बताएंगे दोस्तों इन शुरुआती 12 दिनों में किस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन ज़्यादा रहा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड की हर एक नई खबर के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आप किसके फैन हैं, कंगना रनौत या ऋतिक रोशन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, अगर बात करें फिल्मों के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फर्स्ट डे कलेक्शन के मामले में मणिकर्णिका ने अपने पहले दिन कलेक्शन किया था 8,75,00,000 रुपए। वहीं सुपर 30 ने अपने पहले दिन कलेक्शन किया था 11,83,00,000 रुपए। यानी कि पहले दिन के मामले में ऋतिक रोशन की फिल्म का कलेक्शन ज़्यादा था। वहीं अगर बात करें फर्स्ट वीक यानी शुरुआती 7 दिनों के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों मणिकर्णिका फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिनों में टोटल कलेक्शन किया था 61,15,00,000 रुपए। वही ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 का फर्स्ट वीक कलेक्शन था 75,85,00,000 रुपए। यानी कि फर्स्ट वीक कलेक्शन के मामले में भी ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 का ही कलेक्शन ज्यादा रहा। अब बात करें 8वें दिन के कलेक्शन की, तो मणिकर्णिका ने 8वें दिन कमाए थे 3,50,00,000 रुपए। वही सुपर 30 ने 8वें दिन कमाए थे 4,52,00,000 रुपए। बात करें 9वें दिन के कलेक्शन की, तो मणिकर्णिका ने 9वें दिन कमाए थे 5,29,00,000 रुपए। वही सुपर 30 ने अपने 9th डे पे कमाए थे 8,53,00,000 रुपए। बात करें 10वें दिन के कलेक्शन की, तो 10वें दिन मणिकर्णिका ने कमाए थे 6,75,00,000 रुपए। वही सुपर 30 ने अपने 10वें दिन कमाए 11,68,00,000 रुपए। बात करें 11वें दिन के कलेक्शन की, तो 11वें दिन मणिकर्णिका ने कमाए थे 2,25,00,000 रुपए। वही दोस्तों सुपर 30 ने अपने 11वें दिन कमाए थे 3,50,00,000 रुपए। अब अगर बात करें 12वें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों मणिकर्णिका ने 12वें दिन कमाए थे 2,05,00,000 रुपए। वही दोस्तों सुपर 30 अपने 12वें दिन कमा रही है 3,10,00,000 रुपए। अब अगर बात करें इन दोनों फिल्मों के 12 दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों मणिकर्णिका फिल्म ने अपने 12 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन किया था 81,00,000 रुपए। वही अगर बात करें ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 के 12 दिन के टोटल कलेक्शन की, तो दोस्तों सुपर 30 ने अपने 12 दिनों में टोटल कलेक्शन किया था 107,00,000 रुपए। यानी कि ओपनिंग डे, वीकेंड कलेक्शन या फिर फर्स्ट वीक कलेक्शन हो या 12 दिन का टोटल कलेक्शन हो, ऋतिक रोशन की सुपर 30 फिल्म कंगना रनौत की मणिकर्णिका से चारों तरफ से आगे रही है। हालांकि दोस्तों दोनों फिल्मों के कलेक्शन अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आपने मणिकर्णिका और सुपर 30 दोनों फिल्में देखी है तो इसमें से आपको सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी, कंगना रनौत की मणिकर्णिका या फिर ऋतिक रोशन की सुपर 30? अपने फेवरेट फिल्म का नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई खबर के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।